भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। भारत में अब तक 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में गिरती अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के बीच गुरुवार को काफी बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोग आते हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी व्यक्ति बिना भोजन के ना रहे। हर व्यक्ति को 3 महीने तक मुफ्त में 5 किलो चावल और गेहूं दिया जाएगा। इसके अलावा 1 किलो दाल भी दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ने वाले चिकित्सा के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को 50 लाख का भी जीवन बीमा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने किसानों, मनरेगा मजदूर, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांग एवं गरीब पेंशनधारक, जनधन योजना, उज्ज्वला के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और निर्माण में काम कर रहे लोगों के लिए भी ऐलान किया। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 3 महीने तक 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। इसका फायदा 3 करोड़ लोगों को मिलेगा। सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, तो वहीं महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने की राशि दी जाएगी। इसका 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। दीनदयाल योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। पहले यह राशि 10 लाख रुपए की थी। जिब्रान जरार खान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।